सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करो और शेर अकेले। इसे थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, अगर मैं अपने आप की बिजी सकता बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने ईद पर अपनी फिल्म को रिलीज करने की एक प्रथा सी शुरू की है, जिसका पालन वो अभी तक करते हुए नजर आए हैं। अगर शाहरुख दिवाली, आमिर क्रिसमस, तो सलमान भी ईद पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। एक्टर हर साल अपने फैंस को ईद ही जरूर देते हैं, लेकिन इस साल राधे को वो ईद पर रिलीज करने वाले थे, ईद ही देने को तैयार थे, लेकिन कोरोना वायरस ने सारा मजा जो है वो किरकिरा कर दिया। और अब खबर आ रही है कि सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस साल ईद पे नहीं तो अगले साल ईद पर आ रही है। फिल्म को 12 मई को रिलीज करने का फैसला किया गया है। राधे की पूरी टीम ने इस सिलसिले में एक मीटिंग भी की, जिसमें प्रभु देवा, सोहेल खान संग सलमान खान मौजूद रहे। उस समय इस बात पर चर्चा चल रही थी कि इस मेगा बजट फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा। बताया गया कि पहले फिल्म को अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज किया जा रहा था, लेकिन लोगों का थिएटर की तरफ रुख ना करना मेकर्स को डरा रहा था, इसीलिए फिल्म ईद रिलीज पर ही मोहर लगाई हुई दिख रही है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस चीज की नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के सेट पर राधे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। राधे यानी कि सलमान खान। दरअसल म्यूजिक कंपोजर जोड़ी साजिद वाजिद के साजिद इस फिल्म के सेट पर मौजूद थे और सलमान खान पर गाना फिल्माया जा रहा था। वहीं वाजिद का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ है, आप सभी जानते हैं। 6 अक्टूबर को जब साजिद, सलमान और सोहेल खान चैट कर रहे थे, तब साजिद ने सलमान को वाजिद के बर्थडे के बारे में बताया। सलमान ये सुनकर बड़े इमोशनल हो गए और दोनों ने आसमान की तरफ देखा और वाजिद को याद किया। फिल्म के सेट पर एक केक का इंतजाम कराया गया और वाजिद के बर्थडे को मनाया गया। साजिद ने इस मौके पर कहा था कि सलमान, मैंने और सोहेल ने चांद को देखा और हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वाजिद हमें देख रहा है। साजिद ने ये भी बताया कि सलमान ने उनका ढाढ़स बंधाया और साजिद को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहा। सलमान ने मेरे कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा कि वाजिद ने हमेशा हमारा साथ निभाया है। सलमान ने आगे कहा, टेंशन मत ले, बस मेहनत किए जा। वहीं आपको बता दें, राधे में सलमान खान बहुत ज़बरदस्त एक्शन करने वाले हैं और एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन खलनायकों से वो पंगा लेंगे। इस फिल्म में गौतम गुलाटी, रणदीप हुड्डा और सिक्किम के एक्टर भी नजर आएंगे। विलन के रोल में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। विलन के अलावा एक्शन सीन के लिए भी 3 अलग निर्देशकों को रखा गया है। फिल्म राधे में सलमान खतरनाक एक्शन और स्टंट करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को साउथ कोरिया के फेमस स्टंटमैन क्वोन ताहे हो ने डिजाइन किया है। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार क्वोन ताए हो को साउथ कोरिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स स्टार और स्टंटमैन के रूप में जाना जाता है। वो नवंबर 2019 में मुंबई आए थे और उन्होंने फिल्म में सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच होने वाले फाइट सीक्वेंस को डिजाइन किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कौन साउथ कोरिया से आकर मुंबई में 1 महीने रुके और उनके निर्देशन में मांद्रा स्टूडियो में एक्शन सीन को फिल्माया गया, शूट किया गया। यह भी बताया जा रहा है है कि एक फाइट सीन में सलमान खान कौन ताए हो के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये वाली बात बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो दोस्तों आपको राधे में सलमान के एक्शन स्टंट्स देखने का कितना इंतज़ार है और राधे यानी कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।